मेरे दिमाग में एक हीरो हैं, उन्होंने अपने गांव को एक नॉर्मल जैसा, एक स्टीरियोटाइप गांव, हम चाहे वो पिक्चर में देखें या नॉर्मली जब हम ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं गांवों की हालतें कितनी खराब है, गंदगी फैली हुई है, कहीं ना कहीं यू नो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधाएं नहीं है। इन्होंने अपने गांव को एक मॉडल विलेज बना के दिखाया है, इसलिए ये मेरे लिए आज के हीरो हैं। तो रवीना जी की बातों को मद्देनजर रखते हुए एक काम करते हैं, हम सब सीधे उसी गांव में चलते हैं अपने दर्शकों के साथ, ठीक रहेगा? आइए देखिए। मेरे गांव में आरओ से पानी मिलता है जिससे कोई भी बीमार नहीं है। सिटी में नहीं मिलता इतना, इधर मिलता, 24 घंटा लाइट रहता है इधर गांव में। मेरे गांव में हर जगह कैमरा लगा हुआ है। ये गांव में जो लोग हैं वो एजुकेटेड हो गए हैं, हर बच्चे वाईफाई का लाभ लेते हैं। मेरे गांव में सब फैसिलिटी है, क्योंकि मेरे गांव के अंदर 2006 में मेरे एक यंग सरपंच मिला। हम जग बिछाएंगे, अब ये पाएंगे। पहले गांव की हालत ये कुछ सुविधा नहीं थी, लाइट की, पानी की, गटर की, और अभी गांव में जो डेवलप हुआ है पिछले 10 वर्ष में उन्हें ही किया है। जैसे हमारे सरपंच हिमांशु पटेल ने इस कुंसरी गांव में जैसा काम किया है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अगर वैसे हिमांशु पटेल हर एक गांव में आ जाए तो जैसे पुंसरी का एक रौनक बदला है वैसे पूरे इंडिया का रौनक बदल जाएगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महज 31 साल की उम्र में पुंसारी गांव को एक मॉडल विलेज का रूप देने वाले हिमांशु पटेल ने यह साबित कर दिया कि यदि सोच में कमी ना हो तो धन और साधन की कमी कोई मायने नहीं रखती। आज की रात देवियों सज्जनों, जश्न है हिमांशु पटेल की सोच का। मैं स्वागत करना चाहूंगा हिमांशु पटेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आ सके। जैसे कि हमने अभी देखा, आपका गांव जो है एकदम स्वच्छ हो गया है, बहुत सारे आधुनिक उपकरण इसमें लग चुके हैं, ऐसा क्या क्या आपने इसमें नया किया उसके बारे में थोड़ी सी हमको बताइए। जी सर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जब से मैंने शुरुआत की तो आज गांव में 100% लोगों के यहाँ, 100% लोगों के यहाँ टॉयलेट है। गांव में 100% लोगों के यहाँ टॉयलेट है, 100% गांव ड्रेनेज से जुड़ा हुआ है, 100% रास्ते है, 100% गांव टेक्नोलॉजी यानी कि वाईफाई से जुड़ा है, गांव में पीए सिस्टम है, पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा है। सर जितने भी स्कूल है, मेरे यहाँ 1 से 8 की 5 प्राइमरी स्कूल है, हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे है और उनके पेरेंट्स अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू घर बैठे देख सकते हैं कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में कैसी पढ़ाई कर रहा है। तो ऑनलाइन एक और बहुत सी विचित्र बात हमें मालूम पड़ी है, इनका ऐसा गांव है जहां आज तक एक भी FIR लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक 3 सालों से। देवी और सज्जनों, 3 सालों तक कोई भी FIR नहीं लॉन्च हुआ, ये कैसे संभव हुआ? सर हर 2-3 महीने एक FRI गांव से होती थी। मैं नया नया यंग मैन सरपंच बना था, लोग इंटरनल कास्ट के तौर पे किसी के झगड़े में कूद पड़ते थे और झगड़ा हो जाता था, तो मैं माना कि यार लोगों की सोच भी बदलना इतना ही जरूरी है। मैं रास्ते, ड्रेनेज और टेक्नोलॉजी ला दूंगा, इससे गांव मॉडल हो जाएगा लेकिन आदर्श नहीं होगा, और मुझे आदर्शता के ऊपर ही काम करने का मेरा फोकस ज्यादा था। तो मैंने शुरुआत की और लास्ट तीन साल ऐसे हुए है कि जिनमें एक भी नो क्राइम रेट मेरे गाँव में हुआ है और लोग परिवार वालों ने कभी ऐसा सोचा कि हमारे घर का एक सदस्य है वो सरपंच बन जाएगा? सर नहीं, मेरे दादा और मेरे पिता सोशल काम तो करते थे लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि सरपंच बनने के बाद इतना सारा काम हो जाएगा। 2007 में मैंने कहा था कि मैं इस गांव को उस सिंचाई पे लेके जाना चाहता हूँ कि लोग वो दिन गूगल के ऊपर इस गांव का रोड मैप सर्च करेंगे और इस गांव को ढूंढते हुए आएंगे कि हमें पुंसरी जाना है, हमें इस गांव को देखना है। तब लोगों का मानना था कि गांव थोड़ी ऐसे डेवलप होता है, गांव को देखने के लिए थोड़ी कोई आता है, और आज लोग हर साल करीबन 2 लाख जितने लोग इस गांव की विजिट के लिए आते हैं, वो पूरे इंडिया से हो और आउट ऑफ इंडिया से। जी रवीना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
ऊपर वाला आपको और स्ट्रेंथ दे ताकि आप और भी उन्नति छू पाए. थैंक यू. देवियों सज्जनों, विकास की नई परिभाषा आज हमें सीखने को मिली हिमांशु पटेल और पुंसारी को देखकर. अगली बार यदि आप किसी गांव से गुजर रहे हो तो दुआ कीजिए कि इस देश के हर गांव को हिमांशु पटेल जैसा कोई सरपंच मिल जाए ताकि तरक्की की चाह में किसी गांव वाले को शहर का रुख न करना पड़े.